जमाने
जमाने के तमाम पर अल्लाह के वली आपकी आपके तलबे पर अपनी पेशानी और अपनी आंखों को मिले, तो जाहिर सी बात है आपकी जो है आपके तलबे पे मिले अपनी पेशानी और अपनी आंखें सरकारी गौसिया आजम के तलबे पे मिले, तो आपके सर का हाल क्या होगा। और जो इंसान इन चीजों को जानने से आजिज हो जाए, तो जाहिर सी बात है उनका मकाम और उनका मतलब किस तरीके से इंसान तायुन करेगा कि सरकारी गौसिया आजम का ये मकाम। बिलाशुबा सरकारी गौसिया आजम को उनकी फजीलत के लिए बस एक बात के काफी है, जिसको सरकारी हजरत जमीलुर रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिस तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मकाम मुरतबा तमाम अंबिया के दरमियान है, उसी तरीके से सरकारी गौसिया आज़म का मकाम और उनका मरतबा तमाम औलिया के दरमियान है। सरकारी गौसिया आज़म तमाम औलिया के दरमियान आपका मकाम मरतबा बुलंद को बरकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मकाम मरतबा तमाम तर अंबिया किराम अंबिया और रसूल के दरमियान सबसे बुलंद तरीन और रब की ज़ात के बाद अफजल तरीन कोई ज़ात है तो वो ज़ात है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम। इस हवाले से चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूँ जिनको आप बगौर समाप्त करेंगे। सरकारे गौसिया आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मुकद्दस औलिया अल्लाह के सरदार हैं जिनकी बारगाह से चोर और डकैत लोग भी सदकातो खैरात पाए और सदकातो खैरात पाकर अपना नाम उन्होंने नेक लोगों में दर्ज करा दिया। ये बात मुसलमान हकीकत है कि सरकारी गौसिया आज़म ने चोरों को भी जो है अबदार बना दिया, डकैत जो सबसे बड़ा जमाने का डकैत हो उसको भी सरकारी गौसिया आज़म ने जो है वो मनसबे विलायत पे फायज कर दिया। कभी अपना हाथ उसके हाथ में अपने हाथ में उसका हाथ रखा और विलायत के मनसब पर फायज कर दिया, कभी जो है वो अपने लोग के जरिए और कभी सीने से लगाकर और कभी लोगों को जवाब देकर सरकारी गौसिया आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है मर्तबे विलायत और मर्तबे कुतुबियत आपने अता फरमा दिया। उसी में से सरकारी गौसिया आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक ऐसा फर्द आया जिसने ये कहा कि सरकारी गौसिया आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मुझे दो चीजों की इजाजत दे दें, एक तो मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा और दूसरी चीज ये कि मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा, और ऐसी सूरत में आप मुझे अपना मुरीद फरमाएं। सरकारी गौसे आज़म ने फरमाया मुफ़स्सल सुनते चलिए, गौसे आज़म ने फरमाया अगर तुम नमाज भी नहीं पढ़ोगे और चोरी भी नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें मुरीद भी नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि ये चीजें यानी नमाज का न पढ़ना और चोरी करना चोरी का न छोड़ना ये है दोनों की दोनों बातें खिलाफ शरा शरीयत के खिलाफ। सरकारे गौसिया आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है, आप ये फरमा रहे हैं ये तुम्हारी दोनों बातें जो है वो शरीयत के खिलाफ है इसलिए मैं तुम्हें मुरीद नहीं करूंगा। अब मुझे वो लोग जो अपने आप को सरकारे गौसिया आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुरीद भी कह पाते थे और बिलाशुबा हर एक नामलेवा हर एक ईमान वाला सरकारे गौसिया आज़म भी का मुरीद है, मगर वो अपने आप को सरकारे गौसिया आज़म का किस मुंह से कहता है कि सरकारे गौसिया आज़म का अमल और उनका किरदार तो कुछ और रहा और उस चाहने वाले बंदे का अमल और उसका कैरेक्टर किरदार जो है वो कुछ और है। सरकारी गौसिया आज़म उधर ये फरमा रहे हैं कि अगर तुम ये काम नहीं करते तो हम तुम्हें मुरीद भी नहीं करेंगे, और इसके अलावा एक फरमान और कि अगर कोई बेनमाजी मर जाए तो उसकी नमाज और उसको मुसलमानों की कब्रिस्तान में
हमारी सरकारें हौसलाफजाई के तरीके के खिलाफ नहीं है। किसी वक्त के वली से या सरकार हौसलाफजाई से कोई भी ऐसी रिवायत क्या आपने कभी सुनी कि कभी आपने जो है वो किसी को खड़े होकर खाने की तलकीन फरमाई है? सरकार हौसलाफजाई हो या सरकार हबीबी अलैहिस्सलाम हो, क्या आपने कभी इनसे सुना कि इनका तरीकेकार ये रहा कि ये खड़े होकर खाना खाया करते थे या नंगे सर खाना खाया करते थे? लेकिन आज उनके चाहने वालों और मानने वालों का तरीका क्यों बदल गया और इस पर जो है वो कोई शर्मिंदगी भी क्यों नहीं है? ये अफसोस का मकाम है। चाहे वो लोग हमारा किस्म के लोग हैं जिनके जहन में सिर्फ जो है वो अंग्रेजी ख्याल जो है वो दौड़ते रहते हैं, वो आए हो या ना आए हो, ये बात मेरी जो है वो सिर्फ यही तक नहीं रहती है बल्कि दूर दराज तक ये बातें पहुंचती है और कहता भी इसीलिए मेरी बातें जो है वो कोई ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होती बल्कि ऑन द रिकॉर्ड होती है। ये चीजें जब इंसान के दिल में आवारा गर्दी का ख्याल आ जाए तो इंसान को तबाही और बर्बादी के दहाने पे ले जाकर ये चीजें खड़ी कर देती है। जब इंसान के जहन में यह ख्याल आ जाए कि मजहब इस्लाम का तरीका कोई अच्छा तरीका नहीं है, बताओ मुस्तफा करीम के तरीके से बेहतर कोई दुनिया का कोई भी तरीका हो ही नहीं सकता। वो चीजें जिसको सरकार हबीबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि बैठ कर खाना खाओ, सीधे हाथ से खाना खाओ, बैठ कर पानी पियो, अपने सर को ढक कर खाना पीना खाया पिया करो, ये सारी की सारी चीजें आज इन पर वो गैर मुस्लिम जो है गैर मुस्लिम वो रिसर्च कर रहे हैं और इनसे जो मवादात है वो सारे के सारे मवाद निकाल रहे हैं और आपको वो बता रहे हैं। और अभी जो है हल्द्वानी के किसी डॉक्टर ने इस बात की रिसर्च की कि सरकार अरबी अलैहिस्सलाम का जो ये तरीका रहा कि बैठ कर खाना पीना खाना, इस पर उसने रिसर्च की। जब उसने अपनी उस कामयाबी के नतीजे पर पहुंचा तो कामयाबी का नतीजा क्या था? उसका नतीजा यह था कि अगर इंसान खड़े होकर खाना पीना खाता पीता है तो उसको कैंसर की बीमारी होती है। कैंसर की बीमारी ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसकी बदौलत इंसान अपनी जान अपने हाथों से खो बैठता है। अब मुझे बताएं सरकार अरबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल 1450 साल पहले यह तरीका बताया था और किसी और को नहीं सबको बताया था, खुसूसन मुसलमानों को अपनी उम्मत को यह तरीका बताया था, लेकिन आज उसकी उम्मत उस रसूल की उम्मत कहलाने वाली कौम जो है दूसरों के तरीके को अपना नहीं और मुस्तफा करीम के तरीके को भूल नहीं। वो कौम जो सरकार को अपना मुर्शिद कहती है और अपना पीर कहती है, वो कौन सरकार गौसे-आज़म के तरीके को भूल चुकी है और उसको ये तक खबर नहीं है कि मैं जिस जगह पर जा रहा हूं और उस जगह पे मेरा जाना सही है कि या नहीं है। ऐसी दावतों को ठोकरों पे रखिए जहां पर जो है वो शरीयत की खिलाफ वर्जी हुआ करे, जहां औरतों और मर्दों में कोई जो है वो दूर दराज होने का या बर्तों का एहतमाम ना हो, ऐसी दावतों को अपनी ठोकरों पर रखा करिए। ऐसी दावतों में जाने से बेहतर यह है कि इंसान अपने घर में रहकर नमक और रोटी के साथ तो जरूर अपना पेट भर ले, लेकिन ऐसी दावतों में शिरकत न करे। अगर आप ये समझते हैं कि शरीयत की खिलाफ वर्जियों की कोई अहम चीज नहीं है, ये तो ऐसे होती ही रहती है, तो फिर खुदा के अजाब के भी मुंतजर रहने की जरूरत है। समझ रहे? अगर ये चीजें किसी के जहन में मौजूद है, ये खड़े होकर खाना पीना या और दीगर चीजें जो खिलाफ शरा है वो कोई अहमियत की हामिल नहीं, फिर उनको जरूरी है कि वो इस बात के मुंतजर रहें कि अल्लाह का अजाब उन पर जो है वो आए। और अजाब ही है आज हर तरफ जो है वो मुसलमान नफरतों के शिकार क्यों बनते चले जा रहे हैं। कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, आपकी दाढ़ी से, आपकी टोपी से, आपके कुर्ते से, आपके पजामे से, आपके लिबास से, यहां तक कि आपके रवैये से, आपकी नमाजों, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी की सारी चीजें हैं, इन तमाम चीजों से लोगों को नफरतें हैं। हालांकि ये नफरतें कुछ सालों पहले अगर चाहिए तो ये चीजें नहीं थी। ये नफरतें क्यों आई? ये नफरतें आती ही उस वक्त
जबकि मुस्तफा करीम के तरीके से इंसान जो है वो हट जाया करता है और गैरों के तरीके को अपनाने लगता है, तो फिर उसका हाल ये होता है कि वो जमाने की निगाहों में भी रुसवा हो जाता है और अल्लाह और रसूल की निगाह में भी वो शर्मिंदा हो जाया करता है। कल मरेगा तो वो कौन सा मुंह लेकर हाजिर होगा, या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ और दुनिया में रहकर मैंने आपकी शरीयत की खूब धज्जियां उड़ाई, यही कहेगा, यही जवाब देगा। ऐसी दावतों में मैंने खूब शिरकत की है जहां पर खड़े होकर खाना पीना था, ऐसी दावतों में मैंने बाकायदा जो है शिरकत की है, क्या यह जवाब होगा? ऐसे लोगों को सरकारे आदमी अलैहिस्सलाम आएंगे और कहेंगे मेरा उम्मती है और इसको जो है वो बचा लो, इसको जहन्नम की आग से बचा लो, मेरे तरीके के जिंदगी भर खिलाफ करता रहा और इसको बचा लिया जाए। बिना शुबा आपकी रहमतें बहुत बड़ी है, आप बहुत बड़े मुशफिक हैं, बहुत बड़े मेहरबान हैं, मगर उनके तरीके के खिलाफ करने वालों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का आज़ाब भी जरूर नाज़िल होता है और मरने के बाद तो होना ही होना है। जीते जी इंसान को वो दलील जो है वो दिखा दी जाती है, इसलिए कभी भी कहीं भी दावतों में जाइए अपने आप को इस बात का हामिल बनाकर जाइए कि मैं शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। कहीं अगर खाने पीने का सिस्टम खड़े होकर है तो आप पहली बार तो जाइए ही मत, आपके जाने से उनको तकबीयत मिलती है, मजबूती मिलती है, और अगर गए भी तो आप खड़े होकर खाना मत खाइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि हजरत मैं ऐसी दावतों में नहीं जाता, हालांकि उनकी कोई जो है वो बीच में कोई बात होती है और उससे पहले कई दावतों में खड़े होकर खाने वाले ऐसे जो है वो मौके पर वो हाथ जो है वो अपना पीछे नहीं खींचते, जाकर वहां जो है खूब खाते पीते हमारे सामने आकर जो है वो अपनी सफाई देंगे कि हजरत वैसा काम नहीं करते हैं। ये याद रखें, अगर इंसान किसी इंसान के लिए डर कर कर रहा है ये चीजें तो फिर क्या कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है। जब तक इंसान के दिल में और दिमाग में ये ख्याल नहीं आएगा कि ये जो तरीका है जो गलत तरीका है मैं इसको छोड़ इसलिए रहा हूं कि ये मेरे मुस्तफा करीम के तरीके के खिलाफ है, मैं इसको तर्क इसलिए कर रहा हूं कि ये सरकारे गौसे आजम के तरीके के खिलाफ है, उनके बताए हुए रास्ते के खिलाफ है, इसलिए मैं तर्क कर रहा हूं, न कि इसलिए कि किसी दुनियादार या फिर किसी आलिम दीन की शर्म की वजह से। नहीं, तब तक उस वक्त तक उस इंसान को फायदा नहीं मिलेगा जब तक इंसान के जहन में ये ख्याल ना आ जाए कि ये तरीका मुस्तफा का नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, उस वक्त तक कोई फायदा नहीं मिलेगा। और सरकार गौसे आजम का हाल भी यही रहा, आपने क्या फरमाया कि अगर तुम दो चीजें ये नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हें मुरीद भी नहीं करूंगा, बिलाखिर आपने जो है वो उसको मुरीद फरमा दिया, लेकिन एक शर्त रखी फरमाया, और आजकल के ये पीरों से ये नहीं है, आज को ये अगर पीर कहे तो उसका उसकी हैसियत क्या है, वो तो वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें वो मर्तबा अता फरमाया है कि वो तुम बेइज्जती कहकर मुर्दों को जिंदा फरमा दे, हाथ चोर का पकड़कर विलायत के मनसब पर फाइज कर दे। उन्होंने फरमाया कि अगर वक्त हो जाया करे अजान का तो अजान पढ़ दिया करो, अगर ये शर्त तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें सिलसिले इरादत में दाखिल कर दूंगा, समझ रहे? तो सरकार गौसे आजम ने जब यह फरमाया उसने इस शर्त को मंजूर कर ली, और इस शर्त को मंजूर करने की वजह से उसकी एक भी नमाज जो है वो कज़ा न हुई, और फिर इसके बाद उसने कोई चोरी भी नहीं की, उसके बाद जिस जगह पर गया वो फंस भी गया और वहीं से उसको मुकाबले विलायत भी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार गौसे आजम के वसीले से अता फरमा दिया। वो गौसे आजम की शान है, गौसे आजम की ये शान है कि आप खिलाफ शरा करने वालों को मुरीद तक नहीं फरमाते, अपने सिलसिले में दाखिल तक नहीं फरमाते, और यहां शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाले ये जो है वो इस बात का अजम करते रहते हैं कि हम ये हैं हम ये हैं, इसलिए अपने आप को होशो हवास में रखने की जरूरत है। अगर किसी को दौलत और शरबत का नशा है, याद रखे फिरौन जैसी दौलत किसी को आज नहीं मिली है, शद्दाद और कारून जैसी दौलत किसी को नहीं मिली है, ना उनकी तरह किसी को ताकत मिली है, इसलिए कि ये लोग 500-500 लोगों की तरह हजार हजार लोगों की ताकत तनखा रखते हुए और इनके
चाबियां 40-40 और 70-70 ऊंटों के पुजारी पे लाद कर ले जाया जाया करता था। तो उनकी दौलत और उनकी ताकत के लिहाज से आज के दौलतमंद और आज के ताकतवरों की कोई हैसियत नहीं है, मक्खी के पर के बराबर नहीं है।